वेलकम टू बॉलीवुड पंचनामा, जहां हम लेकर आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज के साथ। दोस्तों, महाभारत और रामायण प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है। बचपन में आपने महाभारत पर आधारित मेगा टेलीविजन सीरीज जरूर देखी होगी और इसी कारण महाभारत और उनके पात्र हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इस महाकाव्य का नाम महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़े युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कुरुक्षेत्र में चचेरे भाई कौरव और पांडव के बीच हुआ था। महाभारत के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक है। दोस्तों, समय काफी एडवांस हो चुकी है, लेकिन आज भी नई जनरेशन महाभारत की कहानियां और उसके सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा है कि भारत की जनता, चाहे वो किसी भी मजहब की क्यों ना हो, भारत के इतिहास और भारत के मूल सिद्धांतों को जानना चाहते हैं और इसीलिए फिल्में जैसे कि बाहुबली, तानाजी द अनसंग वॉरियर और ऐसी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कारोबार कर रही है। सूत्रों की माने तो महाभारत पर भी जल्दी फिल्म बनने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि क्या होगा अगर महाभारत पर एक मेगा फिल्म बनी तो क्या हो सकती है इस फिल्म की स्टारकास्ट और क्या हो सकती है इस फिल्म की क्रू। इन्हीं चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं महाभारत की स्टारकास्ट के बारे में। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि श्री कृष्ण की भूमिका में अक्षय कुमार एक सही पसंद होंगे। अक्षय की पर्सनालिटी काफी चार्मिंग है और इससे पहले भी उन्होंने फिल्म ओ माय गॉड में श्री कृष्ण की भूमिका बखूबी निभाई है। असल जिंदगी में भी अक्षय एक समझदार, चतुर और शरारती इंसान है और श्री कृष्ण की भूमिका उन पर सही तौर पर सूट करेगी। दोस्तों, युधिष्ठिर का किरदार निभा सकते हैं आमिर खान। आमिर खान एक इंटेंस लेकिन सुलझे हुए और मैच्योर्ड एक्टर है और जो युधिष्ठिर के किरदार के लिए एक सही पसंद होंगे। साउथ के सुपरस्टार और बाहुबली से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले प्रभास भीम के किरदार के लिए एक सही पसंद होंगे। हमने फिल्म बाहुबली में भी देखा था कि कैसे प्रभास शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाते हैं और ऐसे ही कुछ हैरतअंगेज सीन्स प्रभास ने बखूबी निभाए हैं। अर्जुन के किरदार को निभा सकते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एक एनर्जेटिक एक्टर है, उन्होंने कई सारी फिल्मों में कुछ यादगार किरदार निभाए हैं, चाहे वो फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में उनका राम का किरदार और चाहे वो पेशवा बाजीराव का किरदार जो उन्होंने फिल्म बाजीराव मस्तानी में निभाया था। रणवीर ने अपने सारे किरदारों को एक अलग ही अंदाज के साथ निभाया है। कर्ण की भूमिका को निभा सकते हैं ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन अपने लुक्स और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। दानवीर कर्ण के इस किरदार को वे बखूबी निभा सकते हैं। ऋतिक की एक्टिंग भी कर्ण के रोल के लिए परफेक्ट रहेगी। नकुल और सहदेव के किरदार को निभा सकते हैं टाइगर श्रॉफ। दोस्तों, नकुल और सहदेव एक जुड़वा किरदार है और आज तक टाइगर श्रॉफ ने कोई जुड़वा किरदार नहीं निभाया। टाइगर की एक्शन और उनकी मार्शल आर्ट्स पर पकड़ इस किरदार के लिए एक सही चुनाव होगा। दोस्तों, द्रौपदी के किरदार को निभा सकती है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण एक ग्रेसफुल और मेहनती एक्ट्रेस है और बॉलीवुड में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। उसी के साथ रणवीर के साथ उनकी केमिस्ट्री इस रोल को जस्टिफाई करेगी। दोस्तों, भीष्म पितामह का किरदार निभा सकते हैं अमिताभ बच्चन। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि बॉलीवुड के बिग बी भीष्म के किरदार के लिए एक सही पसंद होंगे। शकुनी के किरदार को निभा सकते हैं गुलशन ग्रोवर। बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर जाने जाते हैं उनके एक्टिंग, उनकी आवाज और उनके पर्सनालिटी के लिए और शकुनी के किरदार में वो एक अलग ही लेवल का एक्टिंग दिखा सकते हैं। दुर्योधन का किरदार निभा सकते हैं राणा दगुपति। फिल्म बाहुबली में राणा ने भल्लाल देव के किरदार से ऑडियंस को काफी प्रभावित किया था। उनकी और प्रभास की फिर से एक बार टक्कर देखने के लिए काफी मजा आएगा। दुशासन के किरदार को निभा सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, दुशासन का किरदार एक नेगेटिव किरदार है जिसमें ढेर सारा इमोशंस छुपा हुआ है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन इमोशंस को एक अलग लेवल दे सकते हैं। कुंती के किरदार को निभा सकती है गॉर्जियस और एवरग्रीन रेखा। वही द्रोणाचार्य के किरदार को निभा सकते हैं अजय देवगन।
बॉलीवुड के शिव भक्त अजय देवगन द्रोणाचार्य के किरदार में एक जबरदस्त पकड़ दिखा सकते हैं। द्रोणाचार्य की शक्ति असीम है और बड़े से बड़ा महायोद्धा द्रोणाचार्य के सामने घुटने टेकता है, इसी चीज को अजय देवगन बखूबी दर्शा सकते हैं। गांधारी के किरदार को अमृता सिंह बखूबी तरह से निभा सकते हैं। वही विदुर के किरदार में आर माधवन एक सही पसंद होंगे। महाराज धृतराष्ट्र के किरदार को पंकज त्रिपाठी बखूबी निभा सकते हैं। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए SS राजामौली एक सही पसंद होंगे। हाल ही में उनकी फिल्म RRR और उनकी पिछली फिल्में जैसे कि बाहुबली ने दुनिया भर में एक रिकॉर्ड सा कायम किया है। राजामौली फिल्म मेकिंग में महारत हासिल करते हैं और अगर इस फिल्म की बागडोर राजामौली के हाथों में दी जाए तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म में म्यूजिक दे सकते हैं AR रहमान। AR रहमान एक कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर है जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया है। उनकी म्यूजिक डायरेक्शन काफी कमाल की होती है जो इस फिल्म की जरूरत है। इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी बन सकते हैं। वही फिल्म के कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइनर संजय लीला भंसाली को बनाया जाए तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। संजय अपनी अधिकांश फिल्म में लार्जर देन लाइफ बनाते हैं और जो इस फिल्म की जरूरत होगी। इस फिल्म में KK सेंथिल कुमार सिनेमाटोग्राफर बन सकते हैं। ये वही है जिन्होंने फिल्म RRR में सिनेमाटोग्राफी का काम किया था जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू। दोस्तों, अब हम जानते हैं महाभारत की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों असल में महाभारत का मूल नाम जयम था, बाद में इसका नाम बदलकर विजया कर दिया गया था और अंत में इसका नाम महाभारत रखा गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों महाभारत में महान खलनायक दुर्योधन का मूल नाम सुयोधन था। कथा के अनुसार जब सुयोधन ने गदा युद्ध के अभ्यास के दौरान बलराम को हराया तो बलराम बेहद खुश हुए और सुयोधन को दुर्योधन की नाम की उपाधि दी जिसका अर्थ है एक ऐसा योद्धा जो कभी पराजित नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको ये पता है कि वेदव्यास असल में एक पद का नाम है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है और इसे भगवान गणेश ने लिखा था, लेकिन तकनीकी रूप से कहा जाए तो वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक पद है जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अर्जुन की 4 पत्नियां थी जिनका नाम था द्रौपदी, उलपी, चित्रांगड़ा और सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। और अंत में फैक्ट नंबर 1, दोस्तों पांडुपुत्र सहदेव भविष्य देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पांडुपुत्र सहदेव के पीछे एक बहुत रोचक कहानी है कि कैसे सहदेव को भविष्य देखने का उपहार मिला। मरने से पहले पांडुपुत्र की इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनका मांस खाए और शरीर का अंतिम संस्कार ना करे ताकि उनका अपार ज्ञान उनके मांस के जरिए उनके पुत्रों को मिले। हालांकि केवल सहदेव ही अपने पिता की छोटी उंगली का एक छोटा सा मांस खा सके। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। क्यों है ना ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये आपका चैनल है, हम ज्यादातर वीडियो आपके सुझाव पर ही बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगले मूवी का सजेशन डालना ना भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास और बहुत कुछ है। ऊपर के बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखिए। नीचे के बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।